दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति अपने दुखों से बहुत परेशान रहता, वह अत्यधिक चिंता में रहता कि आखिर वह अपने दुखों से कैसे बाहर निकले। वह अपने दुखों का कारण ही नहीं समझ पा रहा था, मानो उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे दुख उसे इस तरह से क्यों घेरे हुए हैं। वह जब भी किसी एक दुख से बाहर निकलता, तभी उसे और कई दुख वापस घेरे में ले लेते। वह जिस गांव में रह रहा था, उस गांव के कई लोगों ने उसे तरह तरह की सलाह दी, तरह तरह के उपाय बताए, और जो कोई उसे जो उपाय बताता, वह उस उपाय को करने में कोई देरी नहीं करता। उसने कई तरह के उपाय किए, लेकिन अब तक उसे कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन वह एक तांत्रिक के पास गया। उस तांत्रिक ने उसे कुछ उपाय बताया और उसके हाथ में एक काला कपड़ा रख दिया, जिसमें वह सारा सामान भी था। उस सामान को उसे एक ऊंचे पेड़ के तने पर लटकाना था। वह इस उपाय के लिए एक बड़े पेड़ की खोज करता है, और जब वह उस पेड़ पर चढ़कर उस पेड़ के सबसे ऊपरी तने पर जब वह काला कपड़ा बांधने का प्रयास कर रहा होता है, तभी अचानक वह नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद वह जोर से चिल्लाया, हे भगवान, क्या अब मुझे मारकर ही दम लोगे? आखिर आपने मेरे जीवन में इतना दुख क्यों दिया है? आखिर तुम्हें मेरे जीवन में इतना दुख देकर क्या मिला है? बाकी लोगों को देखो, वे कितने खुश हैं, कितने खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आपने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। सारी तकलीफें, सारे दुख आपने मेरे जीवन में ही भर दी हैं। वह व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाकर यह कह ही रहा था कि तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु होकर गुजर रहे थे। जब उन बौद्ध भिक्षु ने उसकी आवाज सुनी, तो वह वहीं पर ठहर गए, और वह व्यक्ति जो कुछ भी कह रहा था, वे सारी बातें वह ध्यान से सुनने लगे। जब उस व्यक्ति की सारी बातें समाप्त हो गई, तब वह बौद्ध भिक्षु उसके पास गए और उससे कहने लगे, भंते, क्या बात है? आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? आखिर तुम भगवान को दोष क्यों दे रहे हो? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, महाराज, क्या बताऊं? मैं अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं उसके समाधान के लिए यहां पर आया था। इस पेड़ के उस ऊपरी तने पर यदि मैं इस काले कपड़े को बांध देता, तो मेरे दुखों का समाधान हो जाता। पर मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब मैं ये कपड़ा वहां पर बांध रहा था, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं वहां से नीचे आ गिरा, जिस कारण मेरे पैर में मोच भी आ चुकी है, और अब मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा। और इन सभी की वजह वह ईश्वर ही है, जिसने मेरे जीवन में इतने दुख भर दिए, इतनी तकलीफें भर दी। बाकी लोग हमेशा खुश रहते हैं, खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और मैं हूं कि इन दुखों के बोझ तले तपता चला जा रहा हूं। उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को शांत करवाया। उस व्यक्ति के पैर में जो मोच आई थी, उसका इलाज भी किया, और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, इस काले कपड़े से कुछ नहीं होगा। तुमने ऐसे कितने ही उपाय किए होंगे, ऐसे कितने ही तरीके अपनाए होंगे, लेकिन क्या उससे तुम्हें कोई फायदा मिला? क्या तुम्हारे जीवन से दुख चले गए? उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे महाराज, लगता है आप तो ज्ञानी हैं। आपने तो वह सब कुछ बता दिया जो मैंने आज तक अपने जीवन में किया, लेकिन अभी तक मुझे अपने दुखों से
छुटकारा नहीं मिला। कोई ऐसा मार्ग बताइए, कोई ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे मेरे सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और मैं भी अपने जीवन को खुशी और खुशहाल तौर पर जी सकूं। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुम्हारे जीवन में तीन ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे जीवन में दुख भर दिया है, वही तुम्हारे दुख के कारण हैं। यह बात सुनकर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई ऐसा अवश्य है जो मेरे जीवन में दुख भर रहा है, मुझे तकलीफें दे रहा है, जो मुझसे जलता है, लेकिन यह तीन लोग हैं ये मुझे नहीं पता था। हे गुरुवर, वे कौन हैं? कृपया करके मुझे बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन से तीन लोग हैं जिन्होंने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे दुखों की ओर धकेल दिया। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुम्हें इसका जवाब अवश्य मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। तुम कल सुबह मेरी कुटिया पे आ जाना, मैं वहीं पर तुम्हें तुम्हारी इस समस्या का समाधान बताऊंगा और वो कौन से तीन लोग हैं इसके बारे में भी मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से अपने मार्ग पर आगे चल पड़े और वह व्यक्ति यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब उसे उसकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। यह सोचता हुआ वह अपने घर की ओर चला गया, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि आखिर वो तीन लोग कौन हैं जिन्होंने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। वह एक एक करके हर किसी के बारे में सोचता और वह यह भी सोचता कि किस तरह से उन्होंने उसके जीवन में दुख भर दिया है। जैसे तैसे उसने वह रात काट ली। अगली सुबह वह उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम पर पहुंच गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था मैं आ चुका हूं, तो आप मुझे अब बता दीजिए कि वो कौन से तीन दुश्मन हैं जिन्होंने मेरे जीवन में दुख घोल दिया है, मेरे जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। मैं उन तीनों दुश्मनों के नाम जानना चाहता हूं। वो तीनों कौन हैं मुझे बताइए। कहीं वो मेरे पड़ोसियों में से तो नहीं, या फिर मेरे मित्रों में से, या फिर मेरे परिवार का ही तो कोई नहीं है। हे गुरुवर, वे कौन हैं मैं नहीं जानता। कृपया करके मुझे उनके नाम बताने का कष्ट करें। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन हैं। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुम्हारा पहला दुश्मन जो तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देता है और जिसके घाव बहुत गहरे होते हैं, वह वही है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दे रहा है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? जिससे मैं प्रेम करता हूं, जिसे मैं चाहता हूं, वही मुझे सबसे ज्यादा दुख दे रहे हैं। आगे वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं तो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करता हूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरा पुत्र ही मुझे दुख दे रहा है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, क्या तुम अपने पुत्र से प्रेम नहीं करते? क्या तुम्हें अपने पुत्र की वजह से कोई दुख नहीं है? क्या तुम्हारा पुत्र तुम्हारे दुखों की वजह नहीं है? तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, मैं अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन मेरा पुत्र अब मेरी एक भी बात नहीं सुनता। वो मेरे काम को टाल दिया करता है। आजकल मैं जितना उस पर ध्यान दे रहा हूं, वो उतना ही मुझसे दूर जा रहा है और अपने मित्रों के उतना ही करीब हो रहा है।
मैंने यह भी ध्यान दिया है कि उसकी भाषा अब पहले से काफी बिगड़ चुकी है। जब वह छोटा था तो मैंने कई सपने देखे थे कि मैं उसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, एक कामयाब इंसान बनाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैंने जो सपने देखे थे वो सच हो पाएंगे। कभी कभी तो मैं रातों को सो नहीं पाता, क्योंकि मुझे अपने पुत्र की चिंता सताती है कि मेरे बाद उसका क्या होगा, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगा। उसका जीवन अच्छा हो जाए, इसीलिए मैंने कई तांत्रिकों की बातें भी मानी। उन्होंने जो कुछ कहा वो सब कुछ मैंने किया, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, यदि तुम्हारा पुत्र भी तुमसे प्रेम करता होगा तो वह भी दुख में ही होगा। तुम उससे जाकर पूछना, तुम्हारी वजह से वह भी कितने दुख झेल रहा होगा। आगे वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मैं जिन लोगों से प्रेम करता हूं, जिन लोगों को मैं चाहता हूं, क्या वे सभी मेरे दुख का कारण है? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं भंते, यह प्रेम बहुत ही अजीब होता है। इसे तुम जितनी जोर से पकड़ने का प्रयास करोगे, जितने कठोरता से इसे रखोगे, ये उतना ही तुम्हारे हाथ से फिसलता चला जाएगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि हमारे दुखों का कारण चीजों को पकड़ लेना है, और जब वह चीजें हमसे दूर होने लगती हैं, हमसे छूटने लगती हैं, हमसे दूर होने लगती हैं, तब हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। आगे वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ये तो ठीक है, लेकिन आप मुझे अपने दूसरे शत्रु के बारे में बताइए, जिसके कारण मेरे जीवन में दुखों का सैलाब उत्पन्न हुआ है, वह कौन है? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, यह वह लोग हैं जो तुम्हें नहीं चाहते, अर्थात तुम्हारे शत्रु, जिन्हें ना तो तुम चाहते हो और ना ही जो तुम्हें चाहते हैं। फिर भी ना चाहते हुए भी तुम सभी का ध्यान एक दूसरे पर ही लगा रहता है, इसलिए जो भी तुम चाहते हो वह तुम्हें नहीं मिल पाता, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान तो अपने शत्रु पर होता है, अपने दुश्मन पर होता है। जैसे कि यदि शत्रु को सुख मिलता है तो तुम्हें दुख की अनुभूति होती है, वहीं पर यदि तुम्हें सुख मिलता है तो तुम्हारे शत्रु को दुख की अनुभूति होती है। तुम अपनी खुशी पर उतना खुश नहीं होते जितना कि अपने शत्रु के दुख पर होते हो। तुम खुश रहो या दुखी रहो, यह तो तुम दोनों अर्थात शत्रुओं पर निर्भर करता है, क्योंकि तुमने अपने अपने जीवन की बागडोर एक दूसरे के हाथों में सौंप दी है। जैसा चाहे वो तुम्हें नचा सकता है, और जैसा चाहो तुम उसे नचा सकते हो। यह बात सुनकर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, मेरा एक बहुत बड़ा शत्रु है जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख पहुंचता है। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूं कि किस तरह से मैं उसे दुख पहुंचाऊं, किस तरह से मैं उसकी तकलीफों का कारण बनूं, ताकि मुझे खुशी मिल सके, ताकि मैं खुश हो सकूं। जब वह दुखों से घिरा रहता है तो मुझे बड़ी शांति मिलती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। आपने बिल्कुल सही कहा मेरे शत्रुओं के बारे में। यह ऐसा शत्रु है जिसे मैं आज तक देख नहीं पाया। मैंने अपने जीवन की बागडोर उसके हाथों में सौंप दी है। जब वो चाहता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ, और जब वो चाहता है तो मैं सुखी हो जाता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपने जो शत्रु बताए हैं वह मेरे भीतर ही हैं, क्योंकि मैंने ही अपनी बागडोर अपने शत्रुओं के हाथ में दे रखी है।
जिस कारण मैं व्यर्थ ही दुखी और सुखी होता रहता हूं। लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। आपने बिल्कुल सही कहा। अब कृपा करके मुझे अपने तीसरे शत्रु के बारे में बताइए, जिसके कारण मेरा जीवन दुखों से घिरा रहता है, जिसके कारण मुझे तकलीफ होती है, पीड़ा उठानी पड़ती है, जिसके कारण मैं रातों को सो नहीं पाता। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जो तुम्हारा तीसरा दुश्मन है, जो तुम्हारा तीसरा शत्रु है, यह शत्रु नहीं बल्कि महाशत्रु है, लेकिन यह तुम्हारा मित्र भी बन सकता है। जब तक तुम इसे पहचान नहीं जाते, इसकी ताकत को समझ नहीं पाते, तब तक यह तुम्हारे लिए एक शत्रु का काम करता है। जैसे ही तुम इसे पहचान लेते हो, इसकी ताकत का अंदाजा लगा लेते हो, तो तुम इसे मित्र बनाकर अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यह बात सुनकर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, बताइए वो कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं, उसका नाम बताइए। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, ये और कोई नहीं बल्कि तुम खुद हो। हाँ, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया, दंग रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं और अपना दुश्मन, मैं भला अपने आप को हानि क्यों पहुंचाऊंगा, मैं अपने ही दुखों का कारण क्यों बनूंगा। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, ये तुम नहीं जानते, लेकिन तुम अपने सबसे बड़े शत्रु हो। इसी अज्ञान के कारण तुम हमेशा दुखी रहते हो, क्योंकि ऐसे शत्रु जिन्हें तुम देख सकते हो, उनके बारे में तुम सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो और उन्हें हरा भी सकते हो, लेकिन ऐसे शत्रु जिनके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं, उनसे तुम कभी नहीं जीत सकते। तुम्हें यह तो पता चल चुका है कि जब हम अपने आप को किसी चीज से जोड़ लेते हैं और वह चीज जब हमसे दूर हो जाती है, तो हमारे भीतर दुख उत्पन्न होता है, तकलीफें होती हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि उस चीज को एक न एक दिन तो तुम्हें छोड़ना ही होगा, उस चीज से तुम्हें एक न एक दिन तो अलग होना ही होगा। फिर भी तुम उन चीजों को पकड़ कर रखते हो, उन चीजों से अलग नहीं होना चाहते, जिस कारण तुम्हें दुख होता है और इस बात का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। फिर भी तुम उसे अपने से अलग करने के लिए तैयार नहीं रहते। उस चीज के कारण तुम दुख उठाते हो, तकलीफें उठाते हो, अपने सुख का त्याग भी कर देते हो। तुम्हें ये पता है कि लालच बुरी बला है, फिर भी तुम लालच करने से बाज नहीं आते। तुम्हें पता है कि चिंता करना अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम चिंता में डूबे रहते हो, रातों को तुम्हें नींद नहीं आती, अपने आप को इस अग्नि में तपाते रहते हो। तुम ऐसे बहुत सारे काम करते हो जो कि एक शत्रु ही तुम्हारे साथ कर सकता है, तो क्या तुम अपने शत्रु खुद नहीं हुए? मेरी एक बात याद रखना, जिन शत्रुओं को तुम देख सकते हो, वे शत्रु तो तुम्हें एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन तुम अपना साथ नहीं छोड़ सकते, और तुम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो, जो तुम हमेशा अपने साथ ही रहोगे और जीवन भर अपने साथ यूं ही दुश्मनी निभाते रहोगे। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को यह तो समझ में आ गया कि वही अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, अर्थात वही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। आगे वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं यह तो समझ गया कि मैं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु हूं, लेकिन मैं अपने इस शत्रु को कैसे समाप्त करूं, इसका कोई तो उपाय होगा। इसके जवाब में वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं,
भंते, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। यह जवाब सुनकर वह व्यक्ति डर जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, ऐसा कोई तो उपाय होगा जिससे मैं अपने अंदर के उस शत्रु को मात दे सकूं, उसे हरा सकूं और अपने जीवन में फिर से एक बार खुशहाली ला सकूं। उस व्यक्ति के इस सवाल का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जैसा कि मैंने कहा, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम इसे परिवर्तित अवश्य कर सकते हो। जिस प्रकार तुम अपने सबसे बड़े शत्रु हो, अर्थात महाशत्रु, उसे तुम अपना महामित्र बना सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु का यह जवाब सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, बताइए इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं किस तरह से अपने आप को अपना मित्र बना सकता हूं? इसके जवाब में वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जिस प्रकार तुम इसे बाहर अपना सबसे बड़ा शत्रु बना लेते हो, ठीक उसी प्रकार तुम इसे अपना महामित्र भी बना सकते हो। जैसे कि लालच, अहंकार, वासना, द्वेष, जलन, ये सभी तुम्हारे विकार हैं और तुम इन्हीं के कारण अपने आप को ही अपना शत्रु बना लेते हो। लेकिन यदि तुम चाहो तो दया, करुणा, विनम्रता, प्रेम, इन सभी का इस्तेमाल करके तुम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो और इसे अपना परम मित्र बना सकते हो। तुम प्रेम करते हो, लेकिन प्रेम का अर्थ तुम्हें नहीं पता। तुम सोचते हो कि प्रेम का अर्थ यह है जिससे भी तुम प्रेम करते हो उसे अपना अधीन बना देना चाहते हो, उस पर अपना अधिकार समझते हो। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। जिन्हें सच में प्रेम का ज्ञान होता है, वे जानते हैं कि प्रेम का असली अर्थ है समर्पण। तुम जिससे प्रेम करते हो उसके प्रति तुम्हें समर्पण का भाव रखना होगा। आगे वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपकी सारी बातें उचित हैं, लेकिन आखिर मैं इसे अपना परम मित्र कैसे बनाऊं? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, इसके लिए तुम्हें अपने अंदर बुद्ध जगाना होगा ताकि तुम उसे समझा सको, पहचान सको, उसे अच्छी तरह जान सको। और ऐसा करने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही वो मार्ग है जिससे तुम अपने आप को जान सकते हो, पहचान सकते हो। ध्यान करने से तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करने पे तुम्हें दुख पहुंचता है और क्या करने पे तुम्हें खुशी मिलती है। जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि चीजों को पकड़ने से दुख उत्पन्न होता है, तो भला तुम जानकर भी यह गलती क्यों करोगे? तुम सबके पास रहकर भी, सारी चीजों को अपना कर भी उनसे दूर रहोगे। ना तो तुम चिंता करोगे, ना ही परेशानी, और ना ही तुम्हें कोई तकलीफ होगी। हर समस्या का समाधान भी तुम्हारे पास होगा। तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उस व्यक्ति को ये समझ में आ चुका था कि उसके कौन से वो तीन शत्रु हैं जिसके कारण उसके जीवन में दुख भरा हुआ है। वह यह समझ गया था उसके जीवन में जो दुख है उसका कारण क्या है। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट आया। वह व्यक्ति घर आकर अपने पुत्र के पास गया और अपने पुत्र से कहता है, बेटा, मुझे माफ करना। आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं। लेकिन जिस तरह से तुम जी रहे हो, इस तरह से तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, अपना जीवन इस तरह से बर्बाद मत करो। पिता की आंखों में आंसू देखकर पुत्र भी रो पड़ा और पुत्र अपने पिता से कहता है, पिताजी, आपने जो कुछ भी किया वो सब ठीक था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन केवल
एक चीज जो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ वो है आपका समय और आपका प्यार। वही आपने मुझे नहीं दिया, लेकिन अब कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से मैं अपने जीवन को इस तरह से बर्बाद नहीं करूंगा। आप जैसा कहेंगे मैं उसी तरह से आगे बढ़ूंगा, कामयाबी हासिल करूंगा। जब उस व्यक्ति ने अपने पुत्र के मुख से ये सारी बातें सुनी तो उसका मन हल्का हो गया, उसकी समस्या समाप्त हो गई और रात को उसे बड़ी चैन की नींद आई। दोस्तों, जाने अनजाने हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु बन बैठे हैं। अपने भीतर हम अपने उन अवगुणों के कारण अपने आप को कभी पहचान ही नहीं पाते, ना ही हम इतना वक्त देते हैं कि हम अपने आप को जान सके, पहचान सके कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी विनती है कि पूरे दिन में सही आप अपने लिए केवल 5 मिनट का वक्त निकालें और इन 5 मिनट में आप शांत होकर अपने अंदर झांकने का प्रयास करें, अपने अंदर अपने आप को जानने का प्रयास करें, जिससे आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसका हल निकालने में आपको मदद मिलेगी और आपका जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस विनती को जरूर स्वीकार करेंगे। इसी के साथ में उम्मीद है कि आप सभी को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।